ये एक अपना एक एडेसिव बनाते हैं सर, जो जोधपुर में क्या है, राजस्थान में ज़्यादातर पत्थर की क्लेडिंग करते हैं बाहर एलिवेशन में, बाहर छितर के स्टोन जो बहुत हैवी होते हैं, उसके लिए हमने एक एडेसिव बनाया है। ये देखो आप, एक 6 इंची बाई 6 इंची के पत्थर पे ये 90 किलो का स्टोन है। अच्छा, ये 90 किलो का स्टोन हमने इसके ऊपर हैंग कर रखा है। ये वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ है। ये एलिवेशन में मतलब आपको लगा के ओनली क्लेडिंग करना है, चिपकाना है। और ये ऐसा कैसा कितना भी हैवी से हैवी स्टोन होगा, ये उसके ऊपर रेड करके चिपक जाएगा। तो आपना ये छोटा पत्थर है, इसके बीच में आपका ये एडेसिव लगा हुआ है और इसको चिपकाया हुआ है, चिपका है। और ये हैंग कर रखा है हमने जी। बिल्कुल जी, ये हैंग कर रखा है। बिल्कुल सर। तो ये है क्या, ये एडेसिव क्या है? ये एडेसिव है जो क्लेडिंग के काम आता है सर, चिपकाने का काम आता है। स्टोन एडेसिव बोलते हैं इसको, और इसका नाम है क्लेडोफिक्स एडेसिव। तो हम घर बनाएंगे तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ये? आप सर कहीं पे भी टाइल लगवानी है वहाँ कर सकते हैं, कहीं पत्थर चिपकाना है आपको वहाँ कर सकते हैं, एलिवेशन में कहीं हैवी स्टोन क्लेडिंग करवानी है जिससे आपको डिजाइनिंग अच्छी और हैवी क्लेड करना है, तो आप इस एडेसिव का यूज करके अब आराम से चिपका सकते हैं बेफिक्र। तो आपके प्रोडक्ट से पहले ये काम किस चीज से हो रहा था? ये मार्केट में बहुत सारे एडेसिव मिलते हैं सर, पर हमने भी इसको देखते हुए हमने भी एडेसिव निकाला है। ये मतलब हमारे पास 1x1x1 का पत्थर आपके 1100 किलो वेट हैंग कर सकता है, आप इसके ऊपर हैंग करवा सकते हो। अच्छा, ये कितने कितने वेट का है? ये 90 kg वेट। बिल्कुल सर, ये डेमो के लिए हमने लगाया है यहाँ, और 1100 किलो तक हैंग कर सकता है। बिल्कुल सर। अच्छा जी, तो इसके लिए प्रोडक्ट है कहाँ पर आपका? ये क्लेडोफिक्स करके एक बकेट आती है सर जी, ये पूरी है, ये आती है आपको पूरा, इसमें ये बता भी रखा है आप कितना एमएम में लगाओगे तो कितना कवरेज कवर करेगा, ये पूरा इसकी डिटेल दे रखी है जी। और ये भी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है जी। सारे प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और नैनो बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि हिंदुस्तान में कोई यूज नहीं करता। नैनो बेस्ड टेक्नोलॉजी थोड़ा समझाइए। नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स जर बारीक से बारीक चीज को के अंदर जाके पेनिट्रेट करना, आसान भाषा में अगर हम समझे, जो बारीक से बारीक जैसे पोरोसिटी जो बोलते हैं हम, वो क्या है हमारा मटेरियल क्या है उसके पोरोसिटी के अंदर घुस के उसको अंदर जाके सील कर लेता है। ओके। तो वो नैनो टेक्नोलॉजी है जो लॉन्ग टाइम तक चलती है, जो चीज़ अंदर चली गई वो बिल्कुल उसको निकालना बहुत मुश्किल है, वो लंबे टाइम तक आपके यहाँ चलेगी। ये एक हमारी ट्रांसपेरेंट वाटरप्रूफिंग आती है सर, जो बाहर एलिवेशन में जो सैंड स्टोन लगाते हैं वो बहुत पोरस होते हैं, जो पानी पीने का काम करते हैं। हमने ये देखो आप पत्थर लगाए हैं, ये जो आपने जो एडेसिव देखा था उससे चारों पत्थर चिपका रखे हैं, और इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट वाटरप्रूफिंग कर रखी है, और उसके अंदर पानी भर दिया, ये चारों तरफ से ये पत्थर वाटरप्रूफिंग कर रखा है, पानी की एक बूंद बाहर नहीं आएगी आपके। ये देखिए आप जी, ये बिल्कुल इसके अंदर करके एडेसिव से चिपका रखा है। ये एडेसिव से इसलिए चिपका रखा है कि वो पता भी चल जाए ये वाटरप्रूफ है, और अंदर ट्रांसपेरेंट वाटरप्रूफिंग कर रखी है जिससे ये बाहर भी नहीं आता है। ठीक है जी, मतलब पत्थर के अंदर पानी भर के रखा और बाहर नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये केमिकल आते हैं, एक नेचुरल स्टोन सीलर है, और ये नेचुरल लुक है, ये WL है, वेट लुक। ठीक है, ये जैसा स्टोन है वैसा का वैसा रखेगा। आपने इसको कहाँ का अप्लाई कर रखा है? ये सर इस पत्थर के अंदर लगा रखा है चारों तरफ। चारों तरफ लगा। बिल्कुल बिल्कुल व्यास 9119112111। ठीक है अमित जी, थैंक यू।